प्रदेश में कहीं बारिश से मौसम सुहाना है तो कहीं लोग बारिश से हुए जलभराव से परेशान। हालांकि भिवानी में बारिश का असर सब्जियों पर भी पड़ता नजर आया। आलम यह कि लगातार सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है। बाहर से लाई जा रही सब्जियां जहां महंगी हो चली हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंडी में ग्राहक कम हो चले हैं। कभी राहत तो कभी आफत, उफ ये बारिश। बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश की वजह से सब्जियों के दामों पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है, जिसने घरों की रसोइयों का भी बजट हिलाकर रख दिया है। देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश की वजह से जलभराव ने सड़कों पर जहां वाहनों की गति को ब्रेक कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ खासकर बाहर से लाई जा रही सब्जियों के दामों में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से सब्जी मंडियों में भी ग्राहकों की कमी हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि भारी बारिश की वजह से सब्जियां बाहर से ही महंगे दामों में मिल रही हैं, जिस कारण लोग कम खरीद रहे हैं। ऐसे में उन्हें दाम घटाकर बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। माल कमा रहे हैं। हाँ, बारिश की वजह से। इस वजह से? हाँ, बस तो ये 20-25 रुपए आम पास है, ये तो मेरे स्केल के तो आम पास है, ये 20-25 रुपए 30 रुपए बस, ये तो आम पास लड़ते बिटते से। हाँ, टिंडा में तेज है, टमाटर तेज है। ऐसा हर साल होता है, जो हमारे आम जमींदार की सीजनेबल सब्जी आती है ना, वो हमेशा बिटती है। टमाटर ये 10 रुपए किलो भी था, अब अपना लोकल सब्जी जो बंद हो गया नहीं, अब जो व्यापारियों का माल आने लगे ऑटोमेटिक महंगा हो गया। ये पीछे से ही हो रहा है। जीएसटी की कोई वजह तो नहीं है? जीएसटी की कोई इसमें जीएसटी का कोई असर नहीं है, ये हर साल होता है ऐसे। ग्राहकों की माने तो सब्जियों के दाम बढ़ने के कारण उन्हें कम खरीदनी पड़ रही है, खासकर टमाटर महंगे होने के कारण सब्जियों का जायका गायब हो रहा है। दूसरी तरफ खासकर हरी सब्जियां महंगी हो चली हैं। देखो, जो भी चीज़ होती है हम लोगों की गृहिणी के रसोई पे इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, और सब्जियों का अभी हम ये सब टमाटर 20 रुपए किलो ले रहे थे और आज इसका मूल्य 60 रुपए हो गया, तो ये सारा हमारा बजट बिगाड़ता है। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दिक्कत तो आ रही है, लेकिन क्या करें, ये डेली रूटीन का सामान है, ये तो लेना ही पड़ेगा जनता को, चाहे ये महंगा हो या सस्ता हो। गवर्नमेंट का इसके बारे में कोई ज्यादा ख्याल नहीं है। ये बारिश की वजह तो कुछ मौसम का भी है, कुछ व्यापारी हैं वो स्टॉक भी रोक लेते हैं अपना भाव लेने के लिए, इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है ये। अब तो आज सब्जी ये समझो आप 3 गुना दाम हो गया एकदम से। टमाटर का कोई भाव ही नहीं, अब दो टमाटर 5 रुपए किलो था, आज वो टमाटर 70 रुपए किलो है, मतलब कोई भाव रहे नहीं सब्जी का। तो बहरहाल हालात अगर यही रहे और बरसात इसी तरीके से चलती रही तो आने वाले दिनों में सब्जियां और महंगी होंगी, जो सब्जियां अभी भी लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं और उन्हें खरीदना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट, जनता टीवी।